कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं टाइमिंग की कि यूएस और इंडिया में वर्क जो जॉब करते हैं उसमें टाइमिंग क्या रहता है, ऑफिस टाइमिंग, तो इंडिया में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 10-11 बजे थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि उनकी इवनिंग में मीटिंग्स रहती हैं। लेकिन यूएस में क्या है कि लोग मॉर्निंग में 7 बजे या 8 बजे तक आते हैं, और वो उनका स्ट्रिक्ट टाइम रहता है कि 7 बजे आते हैं तो एग्जैक्ट 8 घंटे की ड्यूटी करके घर जाते हैं 4 बजे, मतलब तो 1 घंटा मैं लंच का हटा दूँ तो 8 बजे वो 7 बजे आते हैं तो फिर 4 बजे चले जाते हैं, और जो 8 बजे आते हैं तो वो 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे बैग उठा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि रात के 9-10 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे हैं तो दे गेट पेड फॉर दैट। यदि 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम किया है तो उसका उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो टाइमिंग का ऐसा इतना डिफरेंस है। और इंडिया का एक्चुअली क्यों है कि क्योंकि उनकी कॉल्स रहती है, मीटिंग रहती है इवनिंग में, इसलिए थोड़ा सा वो लेट आते हैं तो फिर लेट जाते हैं। और सेकंड पॉइंट, यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, कि इंडिया में क्या है कि आपको थोड़ा सा ओवरलोड भी, मतलब कि यदि कुछ काम नहीं हुआ है तो बोलेंगे कि 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक के कर, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। तो यूएस में कैसा है कि आप 8 बजे आ रहे हो तो 5 बजे एग्जैक्ट निकल जाते हैं लोग, जो काम बचा है वो नेक्स्ट डे करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग ऐसा, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम, मैंने भी इंडिया में 5 साल काम किया, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, कोई किसी की डेस्क पे एक्स्ट्रा इधर उधर कोई नहीं जाता, कोई फालतू का डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सब अपनी डेस्क पर बैठ के काम करते हैं। मीटिंग्स हैं तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं। सो गाइज, यदि मैं बात करूँ सैलरी की, तो यहाँ पे यदि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करूँ तो उन लोगों की सैलरी क्या रहता है कि जैसे अपने इंडिया में मंथ में एक बार सैलरी आती है लास्ट वर्किंग डेज पे, लेकिन कुछ कुछ कंपनियाँ रहती हैं कि जो आपका मंथ कंप्लीट होने के बाद भी नेक्स्ट मंथ के कुछ फर्स्ट वीक, आई थिंक कुछ डेज कंप्लीट होने मतलब फर्स्ट वीक में सैलरी देते हैं जो छोटी कंपनियाँ आती है। लेकिन मैं एमएनसी की बात करूँ तो सभी कंपनियाँ लास्ट वर्किंग डे पे सैलरी देती है। लेकिन यूएस में कैसा है कि यूएस में आपको every 15 days पे आपको बाई वीकली मिलती है, मतलब कि हर 15 दिन में हर 2 वीक के बाद आपको सैलरी मिलती है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी रहते हैं जो कि आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, जिनके सपोज़ फुल डे का जॉब नहीं रहता तो वो क्या करते हैं कि 5-6 घंटे जॉब करते हैं, उनका पर आवर का कुछ सैलरी रहता है। एक्चुअली एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है, तो कोई भी कंपनी उनको उससे कम, वो रूल उसको फॉलो करना पड़ता है और उससे कम सैलरी नहीं दे सकते। तो इनका जो आर्ली बेसिस पे रहता है तो वो क्या, वो दो दो तीन तीन जॉब भी करते हैं। एक्चुअली एक्चुअली सैलरी वाले भी करते हैं बहुत लोग, जो क्या काम करते हैं फुल टाइम 8 घंटे यहाँ पे करते हैं और उसके बाद फिर वो 4 घंटे आर्ली बेसिस पे भी करते हैं। तो लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने भी हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको बाई वीकली सैलरी मिलती है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि सैलरी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको बाई वीकली मिलती है, और ओबियसली यहाँ पे डॉलर्स में है तो कंपेयर टू इंडिया यू विल गेट पेड मोर, क्योंकि डॉलर्स में यदि आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करोगे तो ओबियसली ज़्यादा होता है। और यदि मैं सेविंग्स की बात करूँ तो परसेंटेज में आप देखोगे तो इंडिया में भी आपको रूम रेंट और वो आज के टाइम में बहुत कम नहीं है, क्योंकि एक रूम का रेंट मेरे ख्याल में 1 BHK का किसी भी मेट्रो सिटी में 15,000 से कम नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 1 बेडरूम का मिनिमम रेंट 700 से स्टार्ट होता है, $700। सो ऑलमोस्ट 50,000 इंडियन करेंसी, 50,000 से स्टार्ट होता है। तो आपकी जो सेविंग होती है, आपकी जितनी भी सैलरी है, सपोज़ मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको $5,000 पर मंथ आपको मिलते हैं, यानी कि आपको दो पेचेक बनते हैं आपके 2500-2500 डॉलर के। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं एक्चुअली ये अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग कितनी होती है और आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे यदि आपको $5,000 मिल रहे हैं पूरे मंथ में, तो आपका जो एक पे चेक है आप उसको पूरा अच्छे से भी खर्च करोगे तो आपका एक पे चेक तो मिनिमम बचना है, यानी कि $2,500। $2,500 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, आई थिंक इट विल बी अराउंड 2 लाख, नॉट अ 2 लाख, 70 का रेट है, सो ऑलमोस्ट पौने 2 लाख तक। लेकिन आपका एक पे चेक भी पूरा वो नहीं होता है खर्च एक पूरे मंथ में, तो आपका पूरा रेंट वेंट एवरीथिंग सब कुछ जोड़ के आपका मैक्सिमम 2,000 तक खर्चा जाता है। सबसे महंगा एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ रेंट है,
और एक आपका इंश्योरेंस है जो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस सस्ता है, आपका खुद का इंश्योरेंस और आपकी कार का इंश्योरेंस और प्लस रेंट, तो ये चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। तो इस वजह से आपका खर्चा पूरे एक मंथ का जो बैठता है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम $1500 से 2000 तक बैठता है, और जो बंदा $5000 पर मंथ ले रहा है उसका $3000 सेव होता है मिनिमम। तो $3000 ऑलमोस्ट मतलब कि हर एक बंदा 1.5 लाख से 2 लाख तक सेव कर लेता है, लेकिन लोग बागों पैसा जाता है तो इधर उधर घूमना ट्रैवल करना इसमें बहुत खर्चा करते हैं। तो मिनिमम मिनिमम यदि मैं एवरेज निकालूँ तो 1.5 लाख मिनिमम सेव हर कोई बंदा कर लेता है। इसलिए यहाँ पे लोगों के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, अच्छे घर वार सब कुछ है, मतलब एक लग्जरी लाइफ यू कैन लिव हियर। सो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने काम करते करते सोचा कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि यूएस में जाने के बाद कितना पैसा बचेगा, कैसे सैलरी मिलती है, क्या खर्चे होते हैं, घर का रेंट कितना रहता है और क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चे रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे कि यूएस और इंडिया में जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में क्या डिफरेंस है, कितनी सेविंग है, क्या डिफरेंस सेविंग्स में है, सैलरी में क्या डिफरेंस है, वर्क लाइफ में क्या डिफरेंस है, और आपकी ऑफिस टाइमिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने कवर किए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि एक छोटे से लाइक से आपका कुछ जाता नहीं है और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है यदि आपको, और आपको ऐसे ही वीडियोज़ कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ फन वीडियोस और व्लॉग्स और अमेरिका ट्रैवल, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट मीन्स आपको अमेरिका एक्सप्लोर करने में भी इंटरेस्ट है, अमेरिका के बारे में नई नई चीज़ें जानने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में प्लीज़ बताओ आपको और क्या जानना है, किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए। सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। मेरे को एक्चुअली एक वीडियो पर अभी कमेंट भी आया था कि अमेरिकन फूड और इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, सो आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं जाके या फिर घर पे या जैसा भी है, मतलब फूड को आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो, और मैं काइंड ऑफ रिव्यू करूँगा यहाँ के खाने का। तो स्टे ट्यून और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस, बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।